सर अभी तक मेरा 2020 में एडमिशन है और पार्ट वन का एग्जाम हुआ पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया सर। जब एक को एक सेशन को पूरा करने में सर 2 साल का समय लगेगा तो फिर जो तीन ईयर का बीए होता है वो 6 साल में हो जाएगा। इससे सर हम बच्चों का सर टाइम बर्बाद होता है सर। अर्थव्यवस्था जिनका कमजोर है वो बच्चे आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं सर। बिहार के मुख्यमंत्री हर सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं। इस दिन फरियादी उनके दरबार पर पहुंचते हैं और अपनी समस्या सुनाते हैं। नमस्कार, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं, मेरा नाम निशा ओझा है। जैसा कि आज सोमवार है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया था, कई फरियादी उनके पास पहुंचे, कई शिकायतें मिली, लेकिन जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो था ये लड़का, जिसने नीतीश कुमार के सामने ही ये कह दिया कि आपके राज्य में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। उसने कहा कि 2020 में उसने परीक्षा दी थी लेकिन अब तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। नीतीश कुमार के सामने ही उसने ये बैठकर कह दिया कि आपके राज्य में 3 साल के कोर्स को करने में 6 साल का समय लगता है। पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिए। सर मेरा नाम अखिलेश कुमार, मैं कैमूर जिला का निवासी हूँ। सर मैं बीए पार्ट वन का छात्र हूँ। मैं वीरपुर यूनिवर्सिटी आरा में पढ़ता हूँ। सर अभी तक मेरा 2020 में एडमिशन है और पार्ट वन का एग्जाम हुआ पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया सर। जब एक को एक सेशन को पूरा करने में सर 2 साल का समय लगेगा तो फिर जो तीन ईयर का बीए होता है वो 6 साल में हो जाएगा। इससे सर हम बच्चों का सर टाइम बर्बाद होता है सर। अर्थव्यवस्था जिनका कमजोर है वो बच्चे आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं सर। बता दें कि हर सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं। कई फरियादी पहुंचते हैं ये बताने के लिए कि उनके राज्य में किस तरीके से अफसरशाही और खास करके उनकी व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आज एक और शख्स पहुंचा था जिसने ये बताया कि उसके जिले में डीएम बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। न जाने ऐसे कितने फरियादी हैं जो हमेशा नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं और उनको ये बताते हैं कि उनके राज्य में किस तरीके से अफसरशाही करप्शन अपने ही चरम पर है। इस बच्चे ने उनको ये बताया कि उनके राज्य में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल का होता है लेकिन एक बच्चे को ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने में 6 साल का समय लग जाता है और यही सच्चाई है बिहार में शिक्षा व्यवस्था की। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार को किसी ने उनके सामने बैठकर ये बताया है कि आपके राज्य में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालात है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जब भी ऐसा कोई मामला सुनते हैं ऐसा लगता है कि पहली बार सुना हो, अचंभित हो जाते हैं। और फिर ये वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़के ने उनके सामने ये बैठ करके उनको बताया कि ये विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि उनको 1 साल के कोर्स को करने के लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ता है ताकि उनका रिजल्ट उनको पता चल सके। बहरहाल आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।